ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबा एक बार हाथ तुले बोले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आवार जोर कर बोला सबाई बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत श्री गोविंद महाराज श्रील माधव महाराज बन महाराज पर श्री नारसिंह महाराज परमहंस महाराज और समस्त समस्त गोविंद महाराज और हरिजन महाराज और समस्त महाराज के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण परिब्रज महाराज तीरथ महाराज हरे कृष्ण। आज हाँ गुरु जी कहा करते थे ये जो कार्तिक महीना है ये बड़ा बड़ा पवित्र महीना है क्योंकि इसी महीना में अक्सर करके हमारे गुरुवर्गों का बहुत सारे गुरुवर्गों का इसमें आविर्भाव तिथि भी और इसमें इनकी तिरुभाव तिथि भी समावेश है। इसलिए ये महीना की विशेष ये महीना की महत्व है। इसलिए इसी कड़ी में हमारी भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव है ना आविर्भाव तिथि है। इसलिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत में आए वो कभी अकेले नहीं आए हैं इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपर सदसियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवारी दान सिखाई शरणागति भक्त तेरा प्राण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु धाम और परिक्रमा को लेकर के आए और एक एक अपना भक्तों को द्वारा उन्होंने एक एक सिद्धांत को जगत में स्थापन किया। जैसे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने नाम तत्व की स्थापन और इनका नाम उन्होंने नामाचार्य दिया है। श्री रूप गोस्वामी को द्वारा इन्होंने क्या करवाए बोले इनको द्वारा रस तत्व को स्थापन किया। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा हमारा जीवन का जो प्रयोजन है कहते वो प्रयोजन तत्व को उन्होंने स्थापन किया। कहते सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने कहते ये संबंध तत्व को स्थापन किया। श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने जगत में सिद्धांत को स्थापन किया। कहते उसी तरह श्री प्रभुपाद जब जगत में आए वो अकेले प्रभुपाद नहीं आए। जिस समय प्रभुपाद ये कौन है बोले राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी है। नयन मतलब होता आँखें हैं मणि मतलब आँखों का अंदर में जो पुतला है वही ही वो एक रूप धारण किया कौन है श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की।
इसलिए कभी कभी इनके विषय में हमारे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं इनकी अवदान वैशिष्टता, इनकी प्रचार वैशिष्टता, इनकी भजन की वैशिष्टता को अगर एक तराजू का एक तरफ में रख दिया जाए, अगर प्रभुपाद का अगर अवदान वैशिष्ट को रखा दिया जाए, वो कहते थे प्रभुपाद का जो पल्ला है ना वो भारी पड़ेगा। इतने बड़ी बात हमारे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए कहा करते थे। मैंने सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो कितने आचार्य आए, कितने कितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आश्चर्य की बात है। लेकिन जो गुरुवर्ग जो बात कहते हैं ना वो कहीं झूठा नहीं, वो सत्य है। सचमुच से अभी तक जितने आचार्य आए महाराज कहते थे वो अपना सैन्य सामंत को लेकर प्रचार किया है, बड़े बड़े राजकोषों को लेकर के राज और इनको लेकर के जगत में उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। लेकिन ये प्रभुपाद ने केवल छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दरवाजा पर इनको भेज करके महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछजत नगरादि ग्राम सर्वत प्रचार है विमर नाम सुखी है या लोक मर गाइबे कीर्ति, ये जो महाप्रभु का ये जो भविष्यवाणी थी एक दिन ऐसे आएगा, क्या आएगा, संपूर्ण गली गलियों में शहर शहर में महाप्रभु का नाम गूंज उठेगा और सबके सब लोग प्रसन्न होकर के बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचमुच से ये वाणी को अगर संपूर्ण रूप में सार्थकता की तो किसने की ये बात को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये बात को पूर्ण रूप में जगत में उन्होंने स्थापन किया। इसलिए प्रभुपाद का शिष्यों का कहना है अगर इस जगत में प्रभुपाद अपना परिकरों को लेकर के नहीं आते तो कभी ये जगत अभी तक नहीं रहता, ये जगत ध्वंस हो जाता, क्योंकि ये जगत क्यों टिका हुआ है, चूंकि कुछ साधु संत अभी भजन कर रहे हैं जगत में। आपको पता है हर देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है, सबको पास में एटम बम रखा हुआ, सभी को पास में, आपको पता होगा चाइना हर समय इंडिया सब समय दूसरे देश को दूसरे देश धमकी दे रहे एटम बम फेंक देंगे, कहते इसी समय अगर ये विश्व युद्ध छेड़ गया ना, केवल कहते 20% अगर वो एटम बम जो रखा हुआ अगर फेंकेंगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया ध्वंस हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या, बोले कारण है अभी भी प्रभुपाद की धारा में जो सिख तक कुछ वैष्णव लोग जगत में अभी है, अभी भजन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण का प्रतिज्ञा क्या है, बोले कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रनिष्ठति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अगर वो एटम बम पड़ेगा तो क्या होगा, सबके सब मर जाएंगे, भक्त लोग भी तो मर जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने अपना शिष्य वर्गों को लेकर के आए और ला करके उन्होंने क्या किया, जगत में प्रचार प्रसार किया है, इसलिए अभी ये दुनिया टिका अभी तक टिका हुआ है। इसलिए हमारे श्री भक्ति रक्षक ये श्रीधर महाराज को द्वारा प्रभुपाद ने क्या जगत में स्थापन किया इनको द्वारा, और जिस समय प्रभुपाद बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे क्योंकि गुरुवर्ग ने इनको बहुत कुछ आदेश दिया है, गुरुवर्ग ने बहुत कुछ उनको आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था, प्रभुपाद की विद्वता को देख करके बोले तुम ही जगत में ऐसे के व्यक्ति है जो महाप्रभु को जो मार्गों को महाप्रभु के धर्म को जगत में तुम प्रचार और प्रसार कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद सोच रहे हैं अभी भैया मैं अकेला हूँ, जन बल नहीं धन बल नहीं, फिर मैं कैसे ये काम को कर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद ने स्वप्न समाधि में उन्होंने दर्शन किया, सारे महाप्रभु गुरुवर्ग लोग प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले प्रभुपाद तुम सोच रहे हो कैसे, तुम्हारे पास में जन और धन बल नहीं, तुम कैसे प्रचार करोगे, कोई चिंता मत करो, केवल प्रचार करना केवल प्रारंभ करो, हम सबके सब तुम्हारे पीछे मदद करने के लिए तैयारी है। इसलिए प्रभुपाद का जितने गण हैं
ये किसको द्वारा प्रेरित है? कहते ये सब के सब श्री महाप्रभु को द्वारा प्रेरित हो, उसकी अंदर में अन्यतम श्री भक्ति रक्षक श्री श्रीधर महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज। इसलिए इनका नाम प्रभुपाद क्या नाम रखे, बोले भक्ति रक्षक। जिन्होंने जगत में ये भक्ति को जिन्होंने जगत में रखा किया है, तो इनका नाम भक्ति रक्षक नाम उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि प्रभुपाद ने जिन जिनियों का जो जो नाम दिया ना, ये मत समझो ऐसे मन में आ गया उनका नाम ऐसे देते हैं, नहीं। जिन जिनियों का उन्होंने नाम दिया, आप विचार करके देखोगे और नाम में उनके सारे काम भी विद्यमान हैं, वो ऐसे नाम नहीं दे दिया। इसलिए इनका नाम भक्ति रक्षक नाम क्यों रखा? कारण है, कहते सचमुच से इनके अंदर में जो विद्वता, इसलिए प्रभुपाद के अंदर में ऐसे ऐसे गण थे ना, किस समय किसको कहाँ खड़ा करना, कहते प्रभुपाद उसी समय वही व्यक्ति को खड़े करते थे। जहाँ पर श्री महाप्रभु का फिलोसफी, महाप्रभु का सिद्धांत, महाप्रभु का तत्व को ऊपर में अगर कहीं बताना जरूरत है, वो किसको रखा खड़े करते थे? ये भक्ति रखक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज को खड़े करते थे। क्योंकि इनका जो फिलोसफी, और हमारे भक्ति भक्तिवत नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जब वो नवद्वीप में थे, सारे गुरुवर्ग लोग उनको पास में एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर के आपस आपस में महाप्रभु का तत्व और महाप्रभु का सिद्धांत के ऊपर में वहाँ पर विवेचना हुआ करता था। बड़े सुंदर सुंदर तत्वों की वहाँ पर विवेचना हुआ करता था। हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज, वो बड़े तीव्र बुद्धि के हैं, बड़े तीव्र बुद्धि के हैं, फिर बड़ी फिलोसफर है, हाँ, बात को खंडन करना, मंडन करना बड़े अच्छे तरह से जानते थे। इसलिए उनको साथ में इसी विषय को लेकर के, तत्व दर्शन को लेकर के बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पर विवेचना हुआ करता था। इसलिए ये भक्ति रक्षा किया है। इसलिए जिस समय प्रभुपाद ने अंतर ध्यान हो रहे थे, अंतर ध्यान अप्रकट होने से पहले उन्होंने ये भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज को बुलाए और बोले एक भजन गाने के लिए। बोले कौन सा भजन है? बोले श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन से मोर भजन पूजन अनुकूल हावे विधि से पदेहाई बेसिधि। इसलिए प्रभुपाद इनको बुला करके ये भजन को सुने, इसका तात्पर्य यह है, प्रभुपाद यह बताना चाहते जो रूपानुग जो धारा को, यही भविष्य में रूपानुग धारा को जगत में रखा करेगा। इसलिए इनसे उन्होंने ये भजन सुने। इनके अंदर में जो विद्वता थी, अद्भुत इनके अंदर में विद्वता। इसलिए हम रोज रोज सवेरे जो भजन को गाते हैं, जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। इसलिए जैसे जन गण मन अधिनायक जय भारत, इसको पूरा जैसे भारत जैसे संपूर्ण गाते हैं इसको, हैं संपूर्ण भारत जैसे ये भजन को गाते हैं, उसी तरह हमारे गौड़ीय वैष्णव जगत में भी रोज रोज जो सवेरे हम लोगों ने प्रभुपाद का जो अष्टक जो गाते अद्भुत रूप में उन्होंने बनाया है। इसलिए क्योंकि एक श्लोक को रचना करने के लिए उसमें बहुत सारे विचार हैं, ऐसे नहीं जो मुंह में आए वो श्लोक बना दिया, नहीं, उसमें बड़े विचार करना पड़ता है, उसमें तकार रकार पकार उसमें बहुत सारे विचार हैं, अरे संस्कृत भाषा में। लेकिन प्रभुपाद इनकी इनकी सिद्धांतों को प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरह से ग्रहण करते थे। कारण है, जानते थे इस उपयुक्त सिद्धांत को साथ में ये गाते हैं, जैसे भजन हैं, देखो क्या उन्होंने क्या लय, क्या ताल, क्या अलंकार, क्या अनुप्रास उसमें अंदर व्यवहार किया। भले सुजनार बोधराधित पाद युगम युगधर मधुरधर पात्र वर वरदा भयदायक पूज्य पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद। देखो
सुर कहते हैं सुजनार बुदर राधित पाद जुगम, खत्म हो जाता जुगम, फिर वहां से जुगधर माधुरा धारा पात्र बरम बरम, फिर बस बरदा भय दायक प्रणमामि सदा प्रभो पाद पदम। इसलिए इसमें इस दशक में उन्होंने प्रभुपाद को जो सिद्धांत, प्रभुपाद का तत्व, प्रभुपाद का जीवनी, प्रभुपाद का करणी, ये सबके सब ये श्लोक के अंदर में विद्यमान है। क्या बोले बोले सुजनार बुदरादित पाद युगम, बोले जिनकी चरणों को प्रभुपाद के चरण को वंदना करने वाले कौन है, बोले सुजनार बुदरादित पाद युगम, जो सुजनार बुद्ध जो अच्छे सज्जन व्यक्ति ही महाप्रभु की धारा में, कौन कौन आए हैं महाप्रभु की धारा में, सभी लोग नहीं आए हैं, महाप्रभु का धारा अद्भुत धारा है, कहते बड़े बड़े देवता लोग सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी इसी महाप्रभु को धारा में अभिषिक्त होकर के, प्रभुपाद की धारा में अभिषिक्त होकर के ये लोग भी महाप्रभु का भजन करना चाहते, बोले क्यों, महाप्रभु का जो अवतार है धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, जिस महाप्रभु आकर के ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि जो प्रेम के लिए काम करते हैं, महाप्रभु ने वो चीज को दिया, प्रभुपाद ने वो दुर्लभ वस्तु को प्रभुपाद ने दिया है, इसलिए अद्भुत रूप में। इसलिए जो लास्ट जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, बोले वृषभा नो सुता दई तानो चरम चरणा श्री तरे महदुत पावन शक्ति पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद। इसलिए इसमें कहते हैं प्रभुपाद का तत्व को मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो प्रभुपाद बोले दो तरह का व्यक्ति दो तरह से देखा, बोले जो साधारण व्यक्ति प्रभुपाद को जो देखे प्रभुपाद को चरण में आए, बोले ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दूसरे सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत में सरस्वती, लेकिन जो उनका निजजन है, बोले निजजन को पास में प्रभुपाद के स्वरूप में प्रकटित हुए हैं, बोले वृषभान सुता दईतान चरम राधा रानी की श्री भार सभा नवी देवी दईता, श्री राधा रानी के अत्यंत अत्यंत ये नयन मणिमंजर रूप में प्रकाशित हुए हैं, हैं नयन मणिमंजर। इसलिए कहते इसी श्लोक में अद्भुत रूप में प्रभुपाद की सिद्धांत जीवन चरित्र को, जिसको प्रभुपाद देख करके हृदय में गदगद हो गए, बोले क्या उसने प्रभुपाद को, जितने प्रभुपाद का शिष्य लोग थे सबके सब ये चीज को उन्होंने स्वीकार किया है, नहीं सचमुच से प्रभुपाद की अद्भुत महिमा है। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है क्या, बोले से प्रेम धाम देव स्त्रोत्र, ये अद्भुत एक ग्रंथ को उन्होंने रचना की है। इसी ग्रंथ में संपूर्ण जो महाप्रभु का जो फिलोसफी है, अचिंत भेदावित जो तत्व है, ये अद्भुत रूप में उन्होंने ये ग्रंथ में उन्होंने विवेचना की, और श्री महाप्रभु के जो जीवन चरित्र को उन्होंने श्लोक रूप में, उन्होंने बड़ी सुंदर रूप में श्लोक रूप में दिया है। एक दो श्लोकों को हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, उन्होंने कितने सुंदर रूप में अलंकार युक्त उन्होंने श्लोक लिखे हैं, बोले देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दाप दाह दग्ध दुग खंडितम कृष्ण नाम सिधु धाम धन्य दान सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम स्वर्ण कोटि दर्पणाभ देहवर गौरवम पद्म पारिजात गंध वंदितांग सौरभम कोटि काम मूर्छितांग रूप रास सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम प्रेम नाम दान जन्म पंच तत्वकात्मकम सांग दीप पार्षदास्त्र वैभव तारकम श्याम गौर नाम गान नृत्य मत नागरम
प्रेम धाम देव नौमी गौ गौर सुंदरम शांति भोज शील कल धर्म दुख दूतम जीव दुख हन भक्त सौख्य दान विक्रम कल्प घोष नाथ कृष्ण पीयूष संचरम प्रेम धाम देवनम नौमी गौर सुंदरम। कहते उन्होंने एक एक श्लोक में महाप्रभु का जो सिद्धांत महाप्रभु का जो अवदान को उन्होंने प्रकाशित किया। जब पहला श्लोक में क्या कहते हैं बोले देव सीध मुक्त जुक्त भक्त वृंद वंदितम बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण को कौन कौन वंदना करने वाले। इसलिए उन्होंने कोटेशन दिया है सद्वपास्य श्रीमान धृत मनुज काय श्री रूप गोस्वामी ने जो उन्होंने अष्टक महाप्रभु का अष्टक लिखे हैं कि जिनके चरण को देव सिद्ध मुक्त भक्त भक्त वृंद वंदितम जिनके चरण को देवता समस्त भक्त वृंद जिनके चरणों को वंदना करते हैं। वंदना करने से क्या होता है बोले पाप ताप दाप दाह दग्ध दुख खंडितम। जो महाप्रभु के चरणों को वंदना करते हैं जीवन का जितने दुख कष्ट सब के सब नष्ट हो जाता है। बोले कृष्ण नाम सीधु धाम दैन दान सागरम महाप्रभु जगत में आकर दान उन्होंने क्या किया है। बोले जगत में साधारण वस्तु दान नहीं किया जगत में उन्होंने कृष्ण नामामृत अमृत को उन्होंने जगत में दान किया है। इसलिए महाप्रभु का जो दान है जो परम विजय से कृष्ण संकीर्तनम जिसको एकादश स्कंध में कहते हैं क्या कहते हैं बोले कृष्ण ना अरे श्लोक बोलो हाँ इसलिए कहते एकादश स्कंध में बताया कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कलयुग में जो सुमधा व्यक्ति होंगे वो महाप्रभु की हरि नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा उनको उन्होंने वंदना करेंगे। गुरुदेव कहा करते तो उन्होंने और एक विशेष चीज दिया बोले क्या दिया गुरुदेव भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे वो ये कहते थे कभी कभी हम कन्फ्यूज में होते थे बोले क्या है जैसे ब्रह्म गायत्री वो भूर्भुव साधारण व्यक्ति ये मंत्र को उन्होंने कहते ये सूर्य देव का जैसे उपास वरंगम भर्गो देवस्य हैं कहते भर्ग मतलब तेज है कहते उसमें साधारण लोग कहते ये सूर्य देव का ही ये श्लोक है सूर्य को उपासना। हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे हम बड़े कन्फ्यूज थे लेकिन इनकी जब उन्होंने गायत्री व्याख्या के ऊपर सुना अद्भुत रूप में बोले भर्गो देवस्य भर्गो भर्ग मतलब होता है तेज बोले तेज बोले किसकी बोले देवस्य भर्गो देवस्य मतलब कृष्ण देवस्य भर्ग मतलब तेज। यहाँ पर साधारण लोग सूर्य को ही कहते ये ब्रह्म गायत्री उपासना कहते ये सूर्य का ही ये मंत्र है बोले नहीं ये जो तेज है देवस्य भर्ग कृष्ण देवस्य तेज मतलब श्री राधा रानी ऐसे कौन प्रचोदयात हमारे हृदय में कौन प्रचोदयात हो बोले श्री राधा कृष्ण व राधा रानी ही उदित हो। इसलिए ये महीना का नाम क्या है भर्गो ये महीना का नाम ऊर्जा व्रत है ना ऊर्जा ऊर्जेश्वरी ऊर्जा व्रत है ऊर्जा मतलब तेज है मूल तेज कौन है बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए उन्होंने अद्भुत रूप में ये श्लोकों को एक एक अक्षर को उन्होंने राधा रानी ही ये श्लोक की उपास्य है अद्भुत रूप में विवेचना की। इसलिए हम इनके चरण में हम सबके सब ऋणी हैं शरणागति और गुरु वर्गों का कितने गौर किशोर भक्त मिनो ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जितने अष्टक है ना यही महापुरुष ने सबके सब श्लोक रूप में वर्णना किया। प्रपर्णा जीवन वृतम शरणागत अद्भुत अद्भुत ग्रंथों को उन्होंने अद्भुत सिद्धांतों को महाप्रभु का बड़े सुंदर सुंदर फिलोसफी को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए जब मैं नाम लेने के लिए हम सोच रहे थे कौन सा नाम ले मतलब सब माधव महाराज पहले छांट कर ले लिया तीर्थ महाराज वन महाराज सबका छांट कर नाम ले लिया। अभी मैं सोच में पड़ेगा अभी कौन सा नाम ले सब नाम को तो सबके सब ले गए हैं लेकिन ये जो भक्ति रख हाँ भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज यही नाम रह गया था। मैंने जब गुरुदेव बोले तुम कौन सा नाम लोगे मैंने कहे ये भक्ति रख श्रीधर महाराज का नाम मेरे को पसंद है बोले ठीक है तुम्हारा नाम श्रीधर महाराज तुम्हारा नाम श्रीधर महाराज लेकिन हमारे श्री माधव महाराज भी वहाँ पर थे बोले महाराज आप ये नाम किसको नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का सन्यासी गुरु है इसलिए उन्होंने ये नाम किसको नहीं दिया ये नाम को बेच रख दिया था
बोले माधव महाराज बोले महाराज ये नाम तो आपने रख दिया था हाँ, क्योंकि उनको परम गुरुदेव का गुरुदेव है महाराज जी। बोले बोले कोई बात नहीं, नाम दे दिया कोई बात नहीं, इसलिए महाराज ये नाम मेरे को कृपा करके नाम दे दिया। बोले श्री भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज की।